हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहना है, मुसलमान डर के नहीं रहने वाले, मुसलमान भी बराबर है, हिंदू भी बराबर है, दलित बराबर है, पिछड़ा बराबर है, क्रिश्चियन बराबर है, सिख बराबर है, तुम बड़े हम छोटे नहीं, हम जितने तुम भी उतने, तुम जितने उतने हम भी, तुम्हारा भी एक ही चोट, मेरा भी एक ही चोट, तुम्हारे जितने गिनते हैं वोट, मेरे भी उतने चोट गिनने वाले। कोई भी नहीं आया, मेरे तो कुछ नहीं रह गया, आगे पहले तो है, हर मामले पड़े रहे तो है, किसी के घर में भी कुछ होते हैं आप आ रहे हैं, कहाँ भी कहते हैं आप आ रहे हैं, आपके साथ ही इंशाल्लाह हमारा वोट आपको देगा ये बात। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. तुम्हारे अच्छे बुरे में आ रहा हूँ मैं, कभी भी बुरी वक्त में क्या भी रहा तो मैं आके ठहर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ आपके लिए। आप लोग अगर इंसाफ करते हैं इस बार मेरे साथ बोल तो आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी कुछ देख के उड़ देते हैं आप, पार्टियाँ के नाम पे उड़ देते हैं बोलते, हमारा लड़ना भी बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। इंशाल्लाह ये बार हमारा जो वोट रहेगा नासिर उस्ताद साहब को रहेगा। क्यों बोले तो गुलबर्गा की आवाम को पता है, गुलबर्गा की आवाम को पता है कि क्या भी मैटर होंगे, कुछ भी होंगे, नासिर उस्ताद एक ऐसे शख्स है, आप देखते हैं अलंग का मसला चलें दे या किसी के भी घर का मसला चलें दे, पहले नासिर उस्ताद आगे ठहर दे। जो ऑलरेडी MLA है उनको देखिए, ना कुछ गुलबर्गा में काम हो रहा ना कुछ हो रहा, एक्सीडेंट आ मर्डर आ गिर रहा सब हो रहा है, क्या भी मामले में इन्हों नहीं होके भी आगे ठहरे, तो हमारे को ऐसी लीडर की ज़रूरत है। आप ना लीडर को देख के वोट डालिए, इसको पार्टी को देख के वोट मत डालिए, आप सबसे गुजारिश है कि आप नासिर उस्ताद को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह सबने मिल के अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ होगा गुलबर्गे का, इस आवाम का सबका अच्छा होगा इंशाल्लाह सब, तो नासिर उस्ताद को वोट डालने की कोशिश करिए सब जने। साथ देना भाई इस बार जी आई निशान, क्या कर रहे हैं तो हिम्मत से रहूँ मैं, बड़े शेठा के पास नहीं जा रहा मैं, मेहनत करने वालों के पास पहले आ रहा हूँ, उन्होंने आए तो उन्होंने फिर वो बिगाड़ लाते हैं उन आखिरी में, पता नहीं अरे एक होना है BJP जीतती बोल के डराते, 5 साल घर में सो जाते उन्होंने, जीतीस वाले 5 साल लड़ने वाला कौन है आपके लिए, मैं लड़ रहा हूँ ना देख रहे ना, तो लड़ने वाले का साथ देते हैं कि घर में बैठ के सोने वाले का देते हैं, लड़ने वाले साथ इस बार दिल से एक वायदा करना, आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको बात करना घर में फैमिली सब ठीक है, वही इलेक्शन के लिए आप लोग साथ देते बोल तो आगे बढ़ सकते हैं, क्या पार्टियों को छोड़ देते हैं, पार्टियों के नाम से जो जीते हैं 5 साल के हालात देख रहे हैं आप, किसी मामलात में ना असम्बली में बात करें ना यहाँ बात करें, हर मामलात में आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और आगे भी बहुत सारे सवाल है ना, तो हमारे जैसे लोग क्या करना है, इलेक्शन ठहरना क्या जो है चुप बैठ जाना, पार्टी का फैसला छोड़ेंगे तो ऐसे लोगों को ही चुनेंगे, कारपेट रंग के इलेक्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में एक सीट जीतती मुसलमानों की, आज आनंद में क्या हुआ देखें, 10 औरतें जेल गई वहाँ जाके लड़ रहे हैं, आज आनंद में हुआ कल वो फिर ऐसी हुआ तो फिर अफजलपुर में हो सकता है, जवरगी में हो सकता है, क्या भी मामला हो सकता है, इसकी फिक्र करके आप लोग अगर फैसला करेंगे, मेरे को साथ देने का वायदा करेंगे तो आगे बढ़ो, वायदा है आपका, आप वायदा कर रहे हैं जरा, आप लोग आपके हिम्मत दिए ना आगे बढ़ो, आप खामोश बैठे तो नहीं होता, लोगों को बोलना, आपके दोस्त रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस सबको वायदा करो कि आप बोलेंगे, आप वायदा कीजिए साथ देने का, बेशक साथ में रहेंगे, सब लोगों को जितने लोगों को बोल सकते हैं बोल सकते हैं, बोलिए बोलते रहिए, अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार नॉर्थ में जितने लोग हैं सब लोगों को जो जीते हैं उनकी खामोशी बताइए, हम हारने के बावजूद हमारी जद्दोजहद है वो भी सुनिए, अब यही है तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए पूछ लेके जाएंगे बोलता है, वही है ना हमारी कौन की चीज पर आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है, अगर आप आम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, अभी NRC सपोर्ट करेंगे, NRC के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान में मैं मीटिंग किया 144 जगह आपको देखे हैं, 144 होने के बावजूद पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे जाके धरना किया, गुलबर्गा बंद करा हुआ है, हिजाब के अंदर कर्नाटका में सबसे पहली आवाज़ उठाने वाला मैं, कोविड के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर रमज़ान के महीने में जो गिरफ्तार है 5,000 लोगों को हुआ, रोड पे उतर कर मैं एहतजाज किया, कोई कोविड के अंदर एहतजाज नहीं हुआ हिंदुस्तान में, मैं किया, NDTV CNN टाइम्स नाउ जितने चैनल्स हैं उस चैनल्स में बैठ कर RSS BJP के एंकरों को मुँह तोड़ जवाब दिया हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ,
इंशाल्लाह आवाज उठाना आपको अगर नहीं मेरा नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे। हाँ इस चीज़ को आप लोगों तक बोलना, लोगों को समझाना, क्योंकि लोग सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, सोने का ढोंग करने वालों को नहीं जगा सकते। तो अपने अपने लोगों को आप अपने अपने लोगों को थोड़ा सा सख्ती करके भी बोलेंगे तो उसमें एक हक होगा। इलेक्शन का टाइम है, अभी पूछने आए क्या करना, ठहरना नहीं ठहरना, में कुछ भी हमारा आदमी करना बुलवरे हमारे को आप पूछ सकते हैं, दूसरे को नहीं पूछ सकते। अब मैडम को जाकर कुछ कौन पूछ रहे, हाँ हमारे को भी तजुर्बा आदमी है, वो 55-57 चल रही हमारे, हमारे को कुछ भी पूछा क्या भी हुआ आपका कुछ भी हुआ पूछने वाला है करना। हम भी वो सोचे बहुत कुछ सोचे, ये बार सोचे आला क्या होता देखेंगे, मेरे को सोचे हमें अल्लाह का करम आया घर में साथ देने का वायदा कर। मैं आपके लिए हिम्मत करता हूँ ना जाने की, तुम भी हिम्मत करके अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते, बोलो वायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पूरे कर्नाटक में 144 लगाए, मैं जो है आया आप सब लोग आए, मेरी गिरफ्तारी हुई थी गंज में, याद है ना रोड पे वैन में मैं बंदा था, आप सब लोग आ गए। अलंद के अंदर भी जाके मैं एहतजाज किया, वहाँ पे छुटे, ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, मैं एक तड़प को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग ऐसे नाजुक हालात में जब मुसलसल तौर पर मिलत पर हमले हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग हैं, आपके पास गिराक हिंदू भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, सिख भी आता है, हम सब भाइयों की तरह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दो राय नहीं है उसमें, हम भाइयों की तरह रहेंगे इंशाल्लाह। हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हुए रहते हैं हमेशा हमारे साथ, मगर ऐसी ताकत भी है जो हिंदू मुसलमानों को दूर करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। इनका मुत्र जवाब भी देने वाले होना ना, मैं आपसे पूछने आया हूँ, आज के हालात में आप अगर मेरे को मौजू समझते हैं, मैं अगर आप समझते हैं कि मेरी हिम्मत है, मैं आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मेरे को खुल के साथ देने का वायदा करें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वायदा है, कोई उसमें तुम खामोश बैठेंगे, देखो क्या होता है लास्ट में निकलते हैं ठेकेदार लोग, गुत्तेदार लोग, अपने आप को जिम्मेदार, जो अपने आप को मिल्लत के हमदर्द बताते हैं। कभी 5 साल इस किसी मामले में जब पुलिस का जुल्म होते रहता कोविड के अंदर रमजान के महीने में 5,000 गाड़े को पकड़े, मालूम है ना, बस स्टैंड के सामने एहतजाज करा हमें, हिंदुस्तान में नहीं करे कोई भी, रोड पे बैठा था, याद है कोविड के अंदर केस हुआ मेरे ऊपर, 3 महीने के ऊपर केस, बात करे जो जीते हुए बेंगलुरु में थे, अरे बेंगलुरु में बैठे थे भी हम कुछ देते हैं, हमारे बच्चियों के हिजाब को निकाल रहे हैं, उन्हें बात नहीं करे तो भी उनको छोड़ देते हैं, कैसे भी हैं, ये वक्त नहीं है ऐसे बेवकूफ़ी के बातें के लिए। जो बातें करने वाले लोग हैं ये मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपने जज्बात अपनी बेवकूफ़ी अपने घर तक रखना, ऐसे लोगों को समझाना। आज आपसे गुजारिश इतनी है, लास्ट में आके उन्हें डराने वाले हैं, नासिर को वोट दिए तो बीजेपी जीतती बोलने की बातें शुरू करते हैं, क्या करें, एक ही सेम के पास वोट तकसीम नहीं होना, हम यहाँ कांग्रेस पार्टी बुरी पार्टी है, अला है, उसका वोट बैंक है, कहाँ है वोट बैंक, मुसलमान डाल ना, आप सब मुसलमान ही नहीं आप डाले तो उसका वोट बैंक, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालो बोलते हो ना, बीजेपी को हराना है तो नासिर को वोट डाले तो नासिर भी जीतता है, हाँ नहीं जीतता है, तुम्हारे घर के कितने वोट, 5 हैं क्या, 7 वोट, तुम्हारे 7 वोट कांग्रेस को डाले तो कितने गिने जाते हैं, मेरे को डाले तो कितने गिने जाते हैं, कम तो नहीं गिने जाते, नहीं तो उसको जितने वोट नंबर मिल लेते हैं, मेरे को भी मिले तो मैं भी जीतता ना। 5 साल बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है क्या, बीजेपी के नाम से 5 साल में एक बार आपको डरा के वोट लेने वाले का साथ देना है, ये मेरे को बोलो, जो लोग मंगने आते हैं देखो वोट उनको शर्म आना, बिल्कुल क्या बोल के आते हैं वोट मांगने के लिए, पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, पार्टी को बोल तो कौन डालते हैं जी वोट, मुसलमानों से डालना ना, कहीं को डालना मुसलमानों के लिए, जब तुम बात नहीं कर रहे कहीं को वोट डालना तुम्हारे को, तुम्हारे को तुम्हारे जज्बात को जो है असेंबली में बोलने वाला होना है कि नहीं होना है,
आपके लिए लड़ने वाला होना है नहीं होना है? लड़ने वाला है। आपके मस्जिद तक आए, माइक निकाल तुम बोलता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ा तुम बोलता है। कहाँ थे ये लोग? पैसे वाले बोलते हैं, कहाँ थे पैसे वाले? आए क्या पैसे वाले? बेंगलुरु में थे साहब। ये सारे मामला आपको पूछने आए। देखो आप इसके बाद, मैं ज्यादा, मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, वो हूँ, ये हूँ, मैं नहीं बोल रहा। मैं बहुत बड़ा ये हूँ नहीं बोल रहा। मैं इतना बोल रहा हूँ, तड़प है मेरे पास। हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहना है, मुसलमान डर के नहीं रहने वाला है। मुसलमान भी बराबर है, हिंदू भी बराबर है, दलित बराबर है, पिछड़ा बराबर है, क्रिश्चियन बराबर है, सिख बराबर है। तुम बड़े हम छोटे नहीं, हम जितने तुम भी उतने, तुम जितने उतने हम भी, तुम्हारा भी एक ही चोट, मेरा भी एक ही चोट। तुम्हारे को जितने गिनते हैं वोट, मेरे भी उतने वोट गिनने वाले, ये बोलने वाला है। आप चाह रहे हैं आपका आवाज जो है असेंबली में बोलना, क्या रोड पे जैसे आज करते बैठो मैं जिंदगी भर असेंबली में बोलना तोड़ के जीऊं जो आप, तो उसके लिए मैं जितना हिम्मत करता हूँ देखो पुलिस के साथ जाके लड़ने की, तुम भी हिम्मत करना, थोड़ी हिम्मत, क्या हिम्मत करना। आज से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर में, अड़ोस पड़ोस में खुल के जो है बोलना कि हम नासिर उस्ताद का साथ दे रहे हैं।